दुर्ग पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है, जब चार आरोपियों ने आपस में मिलकर फाइनेंस कंपनी से गाड़ियों को, महंगी गाड़ियों को फाइनेंस करा के उसको थर्ड पार्टी को बेच दिया गैरकानूनी ढंग से और अपना किस्त देना बंद कर दिया। एक आरोपी के पास से 10 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिसमें BMW, क्रेटा, ह्यूंडई, i20 गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वॉशिंग मशीन है। ये लोग एक धंधा चलाते थे, डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फाइनेंस कराया करते थे और फिर इसको थर्ड पार्टी को औना पौना दाम में बेच के प्रॉफिट कमा लिया जा करते थे। तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, एक की गिरफ्तारी शेष है। बैंक से और फाइनेंस कंपनी से भी पत्राचार किया जाएगा कि एक ही बैंक, एक ही छोटे एम्प्लॉय के बैंक स्लिप के आधार पर करोड़ों के लोन्स कैसे दिए गए हैं और किन एम्प्लॉयज की बैंक स्लिप का इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पूरे भंडा जो पूरा इनका रैकेट है इसका जल्द ही भंडाफोड़ किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। आपको आपके डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, क्यों डॉक्यूमेंट दिए आप? आपको पता है डॉक्यूमेंट देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अपना डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति को देना वो भी बहुत गलत है। कोई आदमी गलत इस्तेमाल ही करेगा ना, आपके नाम पे कोई फाइनेंस करा रहा है तो लोग कौन फंसेगा? मतलब कंपनी आगे किसका इनाम कर देगी सारी संपत्ति? तो ये सभी लोगों के लिए सीखने की बात है कि कोई भी अपना डॉक्यूमेंट किसी भी थोड़े फायदे के लिए ना दे। तो आपका ये डॉक्यूमेंट जो मांगे थे तो मतलब कुछ पैसा भी दिए क्या आपने? अपराधी की श्रेणी में आता है भाई। फाइनेंस कंपनी जो प्राप्ति बन जाएगी क्योंकि फाइनेंस कंपनी वाला जालसाजी में ये भी मेंबर है, यदि उसका फायदा उठा रहा है वो हर बार इसको पैसा मिल रहा होगा, हर बार अलग अलग देते होंगे। आपको कहानी सुना रहा है, ये हर बार लिए होंगे इससे, तभी लोगों को पता है ये भी चीज खरीदा है, ये भी चीज खरीदा है। यदि एक ही बार ले लिए होते तो इसको कैसे पता है इसके नाम पे हुई है? बैंक वाले इसलिए घेरे ना, सब जगह ये किसी के नाम का ईएमआई जा ही नहीं रहा, मेरा लायबिलिटी बनती है इसका। एक एक ईएमआई शुरू की पटा करो, बाद में पटाना बंद कर दिए तो उनका सामान दिखना शुरू हो गया। कब हुई तुम्हारा ये बात कि तुम डॉक्यूमेंट कब दिए थे? इसी नवंबर में, मतलब वही ना, मतलब चार महीने में तुमने फाइनेंस कंपनी को करोड़ों का नुकसान करा दिया। कब मालूम चला तुमको तुम्हारे नाम पे इतना फाइनेंस उठ गया है? अभी फरवरी में मालूम चला। और तीन महीने क्या पता, तीन महीने तुमने पूछा नहीं, तू डॉक्यूमेंट दिए तो पूछा नहीं, डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हो मेरे से? तो क्या बोल के ऊपर महादेव में वैसा ही है, आप जालसाजों को अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया आपने? ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और हमको तो देख दिया, बचा क्या? पैन कार्ड दे दिए, ये दे दिए 30,000 रुपए में, तो 30,000 कम थोड़ी है? और 30,000 कोई फ्री में क्यों मदद करेगा शादी के लिए? दुनिया भर में इतनी बच्चियों की शादी है, कोई मदद करता है क्या? कोई 30,000 फ्री में दे रहा है तो डॉक्यूमेंट के भरोसे ही दे रहा है ना भाई। तुम्हारे डॉक्यूमेंट के नाम पे इतनी बड़ी हो रही है, छोड़ दे रही है, समझाइश बन जाओगे अपराधी श्रेणी में आते हो, अपराध की श्रेणी में ही आता है भाई। ये लोगों को अपना डॉक्यूमेंट देना पैसा देके, ये रेंटिंग डॉक्यूमेंट ही हुआ ना, रेंट देना हुआ आपने डॉक्यूमेंट का? 6-7 लोन है। किसी ने क्या किया? कितना लोन लिया हो तुम? मेरे नाम पे कितना उठाया? मेरे नाम पे क्या क्या लोन लिया बताया? इसको गाड़ी फाइनेंस कराएंगे और तुम बोल रहे गाड़ी की आवश्यकता नहीं है।
ये एसयूवी तो बोलो अपने नाम पे क्यों, मेरे नाम पे क्यों लेना चाहते हो? बोले सर कि मुझे किराए पर चला के सर कुछ फायदा हो तो आपको इंस्टॉलमेंट भी हम लोग बताते हैं। ये भी वैसे इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी इसकी भी है ये सदियों का काम चला रहा है। ये लोग जो है ना, ये लोग डॉक्यूमेंट अपना देते हैं और कोई ये लोग ये नहीं है, विक्टिम नहीं है। जिनको परमानेंट कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? 19,000 कट आके मिलती होगी ना, 20,000 सैलरी मिल रहा है, क्या कम मिल रहा है? जो क्या ज्यादा 3,000 रुपए की, इसका मतलब ये भी और ना होगा। इसमें नगा देते ना, कैसे देते वो लोन इतना नहीं होगा, कारण तो 20,000 सैलरी मिल रही है, तो लोन कटा हुआ है 70-80,000 रुपए का। ऐसा नहीं होता इसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ, 7 लाख की मान लीजिए गाड़ी है ना, इसको 5 लाख रुपए मिला होगा, 4 लाख रुपए, और इसको ये बोला होगा कि तुम्हारी ईएमआई हम धीरे धीरे पटाएं। लोन का पैसा तुम्हारे अकाउंट में आता होगा? नहीं है सर, तुम्हारे अकाउंट में आया, अकाउंट से पैसा निकला कैसे? जब लोन का पैसा तो अकाउंट में आता है, अरे भी अपराधी की श्रेणी में आता है भाई। फाइनेंस कंपनी जो प्राप्ति बन जाएगी ना, रुकना क्योंकि फाइनेंस कंपनी का जालसाजी में ये भी मेंबर है, यदि उसका फायदा उठा रहा है वो, हर बार इसको पैसा मिल रहा होगा, हर बार अलग अलग देते होंगे पैसा उसको। एक बार इसी नवंबर में, मतलब वही ना, मतलब 4 महीने में तुमने फाइनेंस कंपनी को करोड़ों का नुकसान करा दिया। कब मालूम चला तुमको तुम्हारे नाम पे इतना फाइनेंस उठ गया है? फरवरी में मालूम चला, और 3 महीने क्या पता, 3 महीने तुमने पूछा नहीं, तो डॉक्यूमेंट दिए थे, पूछा नहीं डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हो मेरे से, तो क्या बोल कब से काम कर रहे हो भाई चालसाजी का? एक गाड़ी होती है ना, डॉक्यूमेंट अधिक जालसाजी में लिया होता तब ये बिल्डिंग होता, ये तो हर बार गया है वहाँ पे, साथ में गया, सामने फोटो हो गई, मान लीजिए 2 लाख की बुलेट है तो इसको कितना देते थे? 30% आप सही स्टेटमेंट का बिल्कुल है, ये कहां है? डाउन पेमेंट भी कर दिया, डाउन पेमेंट भी किया, तुमने क्यों किया डाउन पेमेंट? सर इसकी बात तो था, इनको पैसा चाहिए था शादी, बेटी की शादी बोले तो पैसा मुझे ही लगाना पड़ा। इसके लिए BMW खरीदना पड़ गया तुमको? नहीं सर, BMW कितने की आती है? पुरानी सर। पुरानी कितने की लिए तुम? तो सर 5-6 साल हो गई, 6 लाख की गाड़ी, 6 लाख की गाड़ी, तुम उनको पैसा देने की जरूरत क्या पड़ेगी तुमको? मुझे पैसा भी दे दो, इंस्टॉलमेंट। एक चलो एक गाड़ी खरीद लेगा, तो इतनी सारी चीजें खरीदने की, बुलेट भी खरीदना है,
शादी के लिए एक गाड़ी जरूरत पड़ेगी ना, पांच गाड़ी जरूरत पड़ेगी शादी के लिए? पांच गाड़ी जरूरत थी, दो गाड़ी क्या जरूरत पड़ गई इसको? नहीं नहीं सिर्फ वो एक सी और बुलेट ही दिए थे। क्यों दिए भाई एसयूवी? क्या जरूरत पड़ गई इसको एसयूवी की? इसको नहीं सर, इनको बेचना था, इनको पैसे की जरूरत थी, इनको थोड़ी जरूरत है, इनको तो पैसा चाहिए था सर। हाँ हाँ एसयूवी में रखा, इनको पैसा दिया मैंने, भले कि घर में शादी है बोले ठीक है। तो तुम इनके नाम पे क्यों लिए, अपने नाम पे लेते? सर मुझे जरूरत नहीं थी पैसे की, जरूरत डाउन।